गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। भटट स्थित परीक्षा केंद्र पर विधान परिषद के समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के पर्चा लीक का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने किया जमकर हंगामा। मौके पर पहुंचे डीएम और एसएसपी ने स्थिति को संभाला, परीक्षा किया निरस्त। डीएम ने कहा अब दोबारा होगी परीक्षा। एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम के नेतृत्व में नगर क्षेत्र में चलाया गया एंटी चेयर्स ऑपरेशन। खुले में शराब पीने वाले 368 लोगों के खिलाफ संबंधित थानों में 34 पुलिस एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। गोरखनाथ मंदिर स्थित गौशाला में मनाया गया गोपाष्टमी का पर्व। पूजा पाठ के साथ हुई गौ माता की पूजा अर्चना, उतारी गई आरती, वितरित हुआ प्रसाद। समाजवादी पार्टी के संरक्षक पूर्व रक्षा मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के 22वें जन्मदिन पर पार्टी कार्यालय पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया जन्मदिन, दीर्घ आयु होने की कामना। तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत रेलवे रोडवेज बस स्टेशन पर चालक परिचालक व यात्रियों को कोविड-19 व सड़क सुरक्षा के प्रति किया गया जागरूक, कर्तव्य व निष्ठा की दिलाई गई शपथ। विद्युत उपभोक्ताओं के बिलों के भुगतान के लिए बख्शीपुर विद्युत उपकेंद्र पर लगाया गया विद्युत कैंप। जमा हुए 8,27,000 विद्युत बिल का बकाया। यातायात माह के तहत एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन और रेलवे बस स्टेशन पर दुकानदारों, ठेले, खोमचे लगाकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चलाया गया चेकिंग अभियान। सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखने की दी हिदायत, कार्रवाई की दी चेतावनी। गोरखपुर में रविवार को मिले 35 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 19,795। अब तक 318 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 372 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। एनसीसी डे पर सड़क पर उतरकर एनसीसी कैडेट्स ने लोगों को कोरोना के प्रति किया जागरूक, मास्क पहनने की अपील। और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के 22वें जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने बस फोड़ समाज के बच्चों के साथ केक काटकर किया सेलिब्रेट, नेताजी की दीर्घायु होने की कामना।